दोस्तों, कल IBPS क्लर्क के प्री का रिजल्ट आया है, तो जिनका भी हुआ है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ, टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करो। 21 जनवरी तक तो सब कुछ भूल जाओ और बस प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि एक बार आप लोगों ने अगर जॉब ले लिया तो उसके बाद रेस्ट करना। और जिनका नहीं हुआ है तो देख लो, निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने बाकी हैं, 2018 अभी सामने में है, उसमें आपको वैकेंसीज भी अच्छे आने के चांसेस हैं। SBI PO अभी जून जुलाई में होगा, तो आप लोग भी बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करो, अफसोस मत करो, अफसोस करने में टाइम बिल्कुल नहीं गंवाना है, ठीक है। SBI क्लर्क का तो पता नहीं, लेकिन PO आएगा, डेफिनेटली आएगा। और आप लोग जानते हो कि इस बार एसोसिएट्स भी मर्ज हो चुका है PO में SBI में, तो PO के में वैकेंसीज भी SBI अच्छे खासे देने वाली है। तो जो टाइम है उस पर अपने आप को अच्छे से तैयार कर लो और बस ले लेना है इस बार, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो इस बार IBPS PO के मेंस में 26 नवंबर को पूछा गया था। ये मेमोरी बेस्ड है, सेम वही चीज़ है, ठीक है, और बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने पहले नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। क्रिकेट टीम फॉर्म करना है, इसमें किस तरीके से फॉर्म करना है वो बताएंगे, कंडीशंस दी हुई हैं उस पे फॉलो करते हुए हमें सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, निभाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और ध्यान से इसलिए भी देखना है क्योंकि अभी और भी एग्जाम होने वाले हैं, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हो सकता है IBPS क्लर्क में फिर से रिपीट कर दें, ठीक है। तो ध्यान से देखना, और ध्यान से देखना मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि सच में ध्यान से देखना होगा, नहीं तो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरे अच्छे से समझा दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरु जी। तो देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने में है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्कूल एक्स हैज़ टू प्ले टू क्रिकेट मैचेज विद स्कूल वाई इन डिफरेंट स्टेडियम्स, स्टेडियम वन एंड टू रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दो स्टेडियम है, स्टेडियम वन और स्टेडियम टू, दो स्कूल हैं, स्कूल एक्स और स्कूल वाई, दोनों को क्रिकेट मैचें खेलनी हैं, दो क्रिकेट मैच खेलने जाने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द टीम मस्ट बी ओनली 5, सिर्फ 5 प्लेयर की ही टीम होनी चाहिए क्रिकेट मैच के लिए, ठीक है। स्कूल एक्स हैज़ टू चूज फ्रॉम 8 प्लेयर्स, द इन्फॉर्मेशन अबाउट 8 प्लेयर इज गिवेन बिलो, रिप्रेजेंटिंग देयर रोल इन द टीम एंड द मनी टू बी पेड फॉर प्लेइंग वन मैच। देखो, कहा यह जा रहा है कि टोटल 8 प्लेयर हैं, आठों प्लेयर्स का क्या रोल है, वो विकेट कीपर हैं, बैट्समैन हैं या बॉलर हैं, बॉलर हैं तो स्पिन बॉलर हैं या फिर फास्ट बॉलिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने में हैं 8 प्लेयर्स की। और स्कूल एक्स के बारे में हमें देखना है, ठीक है, कि उसे किस तरीके से टीम फॉर्म करनी है, जिसमें कि 8 में से बस 5 प्लेयर को ही सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। 8 में से 5 प्लेयर को सिलेक्ट करने हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा स्लो चलूँगा, धीरे बोलूँगा, ताकि काफ़ी डिफरेंट है और नया चीज़ है, तो समझने में थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है, इसलिए वीडियो लंबा जा सकता है समझाने के कारण, तो उस चीज़ पे ध्यान मत देना और देखना ध्यान से, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं 5ों क्वेश्चंस भी करवाऊँगा और 5ों क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट है, ख़ास तौर पे ये समझ लो कि 5ों क्वेश्चन पे ही ये पजल टिका हुआ है, तो पूरा देखना, लंबा जा सकता है, कोई बात नहीं, समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए फिर से बताता हूँ, टोटल 8 प्लेयर्स हैं, सबका रोल पता है, सबकी प्राइस पता है, ABCDEFGH, उनमें से कुछ बैट्समैन हो सकते हैं, कुछ बॉलर्स हैं, बॉलर हैं तो फास्ट बॉलर हैं, कुछ स्पिन बॉलर हैं, कुछ विकेट कीपर हैं, कुछ विकेट कीपर, कोई विकेट कीपर या बैट्समैन, दोनों हैं, दोनों का रोल निभाता है, और सबके अलग अलग प्राइस हैं। एक तरह से समझ लो कि आपको अपनी एक IPL टीम फॉर्म करनी है, प्राइस पता है, आपका बजट क्या है, उस हिसाब से आपको टीम फॉर्म करनी है, ठीक है। तो वही चीज़ है, उसके बारे में अब आगे देते हैं, दे दिया हुआ है कि नोट एक दिया हुआ है छोटा सा, उसे पढ़ लेते हैं। प्लेयर सी कैन बी कंसिडर्ड एज बोथ बैट्समैन एंड विकेट कीपर। प्लेयर सी जो है वो बैट्समैन भी है और विकेट कीपर भी है, ठीक है। अब कंडीशंस, चलिए कंडीशन पे आते हैं, ठीक है। कंडीशन को मैं नोट करते जाऊंगा, आप भी उसी तरह से नोट करना, आसानी रहेगी। अब कंडीशन में ही मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझा दूंगा, ठीक है, और ये कंडीशन हमारा
आखिरी क्वेश्चंस तक काम आएगा। चलिए देखते हैं कंडीशन क्या है। प्लेयर ए एंड सी कैन नॉट बी सिलेक्टेड टुगेदर। चलिए ठीक है, पहला कंडीशन ए एंड सी कैन नॉट बी प्ले टुगेदर। ए और सी जो है साथ में नहीं रह सकते, काट दिया हमने। उसके बाद विकेट कीपर इज मस्ट इन द टीम, यानी कि सेकेंड कंडीशन विकेट कीपर तो होना ही चाहिए। ठीक है, थर्ड कंडीशन ई एन जी कैन नॉट बी सिलेक्टेड टुगेदर। कंडीशन थ्री हमारा है कि ई और जी साथ में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंडीशन चार है एमंग डी एफ जी एच मैक्सिमम ओनली 3 पर्सन्स कैन बी सिलेक्टेड। चौथा कंडीशन डी एफ जी एच में से मैक्सिमम 3 ही प्लेयर ले सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ कंडीशन है इफ बी सेलेक्टेड एच शुड बी सिलेक्टेड, यानी कि अगर बी सेलेक्ट होगा तो एच सेलेक्ट होगा ही, ये दोनों तो हमेशा साथ में ही आएंगे। एच सेलेक्ट होगा तो बी को भी लेना है, बी लेंगे तो एच को भी लेना है, तो ये दोनों साथ में आएगा ही आएगा। ठीक है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 बैट्समैन एंड 2 बॉलर्स इन द टीम, यानी कि 2 बैट्समैन चाहिए और 2 बॉलर चाहिए हमें टीम फॉर्म करने के लिए। ठीक है, 2 बैट्समैन और 2 बॉलर ये हमें चाहिए ही टीम फॉर्म करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने में हैं। अब इसे देखकर हम एक बार रफ के लिए अपनी एक टीम फॉर्म करेंगे, ठीक है, ताकि हमें आइडिया लग जाए। और वो टीम फॉर्म करेंगे तो सबकी प्राइस भी हम नोट कर देंगे यहाँ पे, ताकि बार बार हमें क्वेश्चन को देखना नहीं पड़े। चलिए अब देखते हैं, ए और सी साथ में नहीं आएंगे। मान लेते हैं एक टीम में हमारा ए आ गया और दूसरी टीम में हमारा सी आ गया। ठीक है, विकेट कीपर होना ही चाहिए, कि सी हमारा क्या है, विकेट कीपर प्लस बैट्समैन दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, ए हमारा क्या है, ए हमारा बैट्समैन है। ठीक है, बैट। ठीक है, उसके बाद ई और जी में से कोई एक आएगा, तो इसमें मान लिए ई ले लिए, इसमें मान लिए जी ले लिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही आएगा। अब ई हमारा क्या है, ई हमारा स्पिन है, जी हमारा क्या है, स्पिन है। ठीक है, उसके बाद बी प्लस एच, अगर बी आएगा तो एच भी आएगा, तो दोनों में हम लोग बी एच ले लेते हैं फिलहाल, बी एच। ठीक है, बी हमारा क्या है, बैट है। ठीक है, एक ही जगह लिखेंगे काम हो जाएगा। एच हमारा क्या है, फास्ट बॉलर है, फास्ट है। ठीक है, अब देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हो गए हैं, हमें कितने लेने हैं, 5 प्लेयर लेने हैं। ठीक है, 5 प्लेयर लेने हैं, 4 हो चुके हैं, अब एक लेना है। ठीक, एक कौन लेना है, यहाँ पे आप लोग देखो कि हमें विकेट कीपर एक चाहिए। इसमें पहले से एक विकेट कीपर है, इसमें विकेट कीपर नहीं है, तो एक विकेट कीपर चाहिए। एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर कौन सा है, क्वेश्चन पे देखना, प्लेयर डी स्पेशलिस्ट विकेट कीपर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने डी ले लिया, तो 1 2 3 4 5, तो इस कंडीशन में ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, ये विकेट कीपर है सिर्फ, लिख दिया हमने। अब यहाँ पे कौन आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे किस कौन आ सकता है, 4 तो आ गया है, अब एक कौन आ सकता है, या तो डी आ सकता है या फिर एफ आ सकता है। ठीक है, एफ हमारा क्या है, एफ हमारा फास्ट बॉलर है। ठीक है, एफ हमारा फास्ट बॉलर है। ठीक है, या तो डी या तो एफ। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक रफ आइडिया ले लिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा और आपको समझाता हूँ, ये कन्फर्म नहीं है कि एक टीम हमारी ऐसी ही होगी और दूसरी टीम हमारी ऐसी ही होगी। हो सकता है इसमें डी की ज़रूरत नहीं भी पड़े, क्योंकि विकेट कीपर तो हमें एक ही लेना है, सी हमारा स्पेशलिस्ट विकेट कीपर है। ठीक है, जब सी हमारा विकेट कीपर है तो डी हम क्यों लेंगे, फालतू हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, लेना ही नहीं है, तो डी की ज़रूरत हमें यहाँ पे है भी नहीं। ठीक है, और दूसरा ये कि जी या ई में से एक लेना है, जरूरी नहीं है कि जी हमारा हमेशा सी के साथ ही है, जी हमारा ए के साथ भी आ सकता है, जी और ई हमारा सी के साथ भी आ सकता है, यानी कि ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये है, इसको भी चेक कर लेते हैं कि डी एफ जी एच में से मैक्सिमम 3 ही लेने हैं, तो क्या हम ले रहे हैं डी एच, ठीक है 2 ही ले रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे तो इस चीज़ को फुलफिल कर रहे हैं, यहाँ पे डी ले रहे हैं।
एच ले रहे हैं, जी ले रहे हैं, डी एच जी, यहाँ पे तीन ले रहे हैं, मैक्सिमम तीन ही रहना है, और हम लोगों ने या की कंडीशन लगाई है एफ के साथ, या तो डी या तो एफ, यानी कि यहाँ पे हम लोग भी मैक्सिमम तीन ही लेंगे। और यहाँ पर भी जी अगर इधर आ जाएगा, ई और उधर चले जाएगा, जी अगर इधर आ जाता है तब की कंडीशन में भी देख लेते हैं, डी एच और जी तीन ही आएगा, ठीक है, एफ तो आ नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला। अब यहाँ से तो हम लोगों ने इतनी चीज़ें को पता कर ली है, समझ गए होंगे आप लोग। अब एक बार सबकी प्राइस भी नोट कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ताकि बार बार हमें क्वेश्चन पे नहीं जाना पड़े, ठीक है। प्राइस नोट कर लेते हैं एक बार, ए की प्राइस कितनी है 1000, यहाँ पे देख लिया। सी का क्या है 2000, ठीक है। ई का क्या है, सबका हम लोग देख देख कर लिख लेते हैं एक बार। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने सारे नोट कर दिए हैं कि किसकी कितनी प्राइस है। ए का 1000, ई का 1000, बी का 1500, एच का 1500, डी का 1500, सी का 2000, जी का 1500, बी एच का तो यहाँ लिख दिया था, बी का यहाँ लिख दिया है, एफ का 2000, ठीक है। देख लो, क्वेश्चन पे आने से पहले इतनी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने इतनी चीज़ों को समझ लिया अच्छे से, तो फिर क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। इसलिए इस अनोइंग, चलिए साइलेंट कर दिया मोबाइल को। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि इतनी चीज़ों को अगर आप लोग समझ गए, तो आपको क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं एक बार फिर से इसे रिवाइज कर देता हूँ कि इसमें मैंने समझाया कि आप लोगों को, 8 प्लेयर हैं हमारे पास, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। सबका अपना अपना रोल है, कोई बैट्समैन है, कोई बॉलर है तो बॉलिंग में स्पिन करता है, या फिर कोई फास्ट करता है, ठीक है, कोई विकेट कीपर है स्पेशलिस्ट, या फिर कोई बैट्समैन और विकेट कीपिंग दोनों करता है, पता है इतनी चीज़ें। टीम फॉर्म की, ए सी साथ नहीं रहेंगे, ई जी साथ नहीं रहेंगे, बी रहेगा तो एच भी रहेगा, डी हमारा स्पेशलिस्ट विकेट कीपर है, तो एफ हमारा फास्ट बॉलर है, ठीक है, ई जी स्पिन बॉलर है। अब यहाँ पे मैंने क्या समझाया, देखो कि अगर जरूरी नहीं है कि ए के साथ ही ई हमेशा आएगा, ये चीज़ जरूरी है कि जी इधर भी आ सकता है और सी इधर भी आ सकता है। अब देखो, अगर ए के साथ सी नहीं आ सकता है, जो कि एक विकेट कीपर भी है, और हमें टीम में एक विकेट कीपर भी लेनी है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर टीम में हमारा ए आया तो डी भी आएगा ही, क्योंकि डी हमारा क्या है, विकेट कीपर है, और टीम में हमें एक विकेट कीपर भी चाहिए, ठीक है, विकेट कीपर भी चाहिए। तो अगर ए को लेंगे तो डी को लेना ही पड़ेगा, ये कंडीशन में दी नहीं थी, लेकिन ये कंडीशन हमारा निकल के आ जाता है, हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस डी, ठीक है। अगर ए को लेंगे तो सी को नहीं ले सकते हैं, लेकिन सी विकेट कीपर भी है और विकेट कीपर हमें लेना है, तो डी को हमें लेना ही पड़ेगा। अगर ए लेते हैं तो डी हम लेंगे ही, ए प्लस डी हमारा किसी भी कीमत पे हर हाल में साथ में ही रहेगा, ठीक है। ई जी एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है, इतनी चीज़ें आप समझ गए, बी रहेगा तो एच भी रहेगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने में है, मैंने एक अलग से पेज ले लिया है ताकि इसको फॉलो करते रहें हम लोग, ठीक है। एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग कंडीशन जहाँ पे लिखोगे, साथ में एक और पेज ले लेना, या पेज की कमी नहीं होती है एग्जाम में, ठीक है, तो आसानी होगी, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर एक आपके सामने में है कि इफ़ इट इज़ नोन दैट स्टेडियम 1 वॉज फेवरेबल टू स्पिन, ठीक है, स्पिन को फेवर करता है स्टेडियम 1, स्कूल एक्स डिसाइडेड टू सेलेक्ट ओनली 1 विकेट कीपर इन द टीम, 1 विकेट कीपर ही टीम में शामिल करेगा, ये भी डिसाइड कर लिया, एंड सिलेक्टेड सी एंड जी इन द टीम, और सी और जी को सिलेक्ट कर चुका है, क्या डिसाइड किया, स्पिन फेवरेबल है तो एक ही विकेट कीपर वो रखना चाहता है, और सी और जी को वो ले चुका है, ठीक है, सी और जी ले चुका है, तो सी और जी हम लोग पहले ही लिख ही देते हैं, ठीक है। 1 विकेट कीपर इन द टीम एंड सिलेक्टेड सी एंड जी इन द टीम, देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय स्कूल एक्स ऑन सेलेक्टेड प्लेयर्स फॉर फॉर्मिंग द टीम, तो
इतने के बाद वो पांच प्लेयर की टीम बनाता है तो उसका टोटल एक्सपेंस क्या हो जाएगा, एक्सपेंस क्या हो जाएगा, कितने पैसे उसने खर्च किए हैं टीम बनाने में, ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। चलिए देखते हैं। सी और जी तो हमने ले लिया। सी हमारा क्या है, विकेट कीपर है प्लस बैट्समैन है, ठीक है, विकेट कीपर प्लस बैट्समैन, और ये भी डिसाइड कर चुका है एक्स की टीम में एक ही विकेट कीपर लेगा, यानी डी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, डी हमारा स्पेशलिस्ट विकेट कीपर है तो डी नहीं आएगा, एक ही विकेट कीपर लेना है। जी हमारा आ चुका है, जी आ चुका है तो ई नहीं आएगा, ई भी कट गया, ठीक है। अब जी हमारा स्पिन है, ठीक है, अब देख लेते हैं अब बाकी की चीज़ें। सी हमने ले ली है तो विकेट कीपर है, डी नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ भी पता है कि सी हमने लिया हुआ है तो ए भी उस टीम में नहीं आएगा, एक खत्म। ये तीन जो तो खत्म हो गए। टोटल प्लेयर्स कितने थे, टोटल प्लेयर्स हमारे आठ थे, ठीक है, पांच लोगों की टीम बनानी है, तीन लोग कैंसिल हो चुके हैं तो बाकी के पांच जो हैं वही टीम में आएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो बाकी के पांच कौन से बचते हैं, बी बचता है, बी आएगा तो एच भी आएगा, पता है, उसके बाद एफ बच जाता है, ठीक है। ये हमारा बैट्समैन है, ये हमारा फास्ट है, और एफ हमारा भी फास्ट ही है, ठीक है। देखो बहुत ही आसानी से टीम फॉर्म हुई है। टीम में क्या था कि सी हमने लिया है और विकेट कीपर एक ही लेना है, विकेट कीपर भी है सी तो डी नहीं लेंगे, लेकिन अगर सी ले लेते हैं तो सी के साथ ए नहीं आएगा, ए भी कैंसिल। जी हमने लिया हुआ है तो जी के साथ ई कभी नहीं आएगा, ई भी कैंसिल। आठ लोगों में से पांच को चुनना है, तीन कैंसिल हो चुका है तो बाकी के पांच ही टीम में आएंगे, जाहिर सी बात है। अब पूछा जा रहा है टोटल एक्सपेंस कितना है, ठीक है। सी का देख लो, सी का कहाँ गया, सी का 2000, ठीक है, जी का 1500, ठीक है, बी का 1500, एच का 1500, एफ का 2000, ठीक है, जोड़ लो। जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 15, 4, 5, 6, 7, 8, 2 0 एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, 2 0 नहीं लिख रहे थे, ठीक है। टोटल एक्सपेंस हमारा हो जाएगा 8,500 रुपये का। समझ गए क्वेश्चन कितनी आसानी से बन गई, सारी चीज़ें बस यही थी। अगर इस चीज़ को आप लोग समझ गए तो फिर क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बस इसे समझना है, ठीक है, यहाँ तक में ही है। इसके बाद क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। पांच प्लेयर हो गए, 8,500 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो पे आते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर दो आपके स्क्रीन पर है, उसमें बोला जा रहा है इफ इट इज नोन दैट स्टेडियम टू इज फेवरेबल टू फास्ट बॉलिंग। चलिए वो स्पिन फेवरेबल था, ये फास्ट फेवरेबल है। स्कूल एक्स डिसाइडेड टू कंपोज द टीम विद टू फास्ट बॉलर्स, दो फास्ट बॉलर लेने हैं, चलिए टू फास्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय स्कूल एक्स ऑन सिलेक्टेड प्लेयर्स फॉर फॉर्मिंग द टीम सेटिस्फाइंग ऑल द अबव कंडीशन। इसका भी टोटल एक्सपेंस पूछा जा रहा है और बस ये चीज़ें वो डिसाइड कर चुका है कि दो फास्ट बॉलर लेगा, ठीक है। दो फास्ट बॉलर लेने के बाद उसका टोटल एक्सपेंस क्या होता है, ये चीज़ें पता है। तो देखो हमारे पास फास्ट बॉलर कितने हैं, फास्ट बॉलर हमारे पास दो ही हैं, एच है और एफ है, दो फास्ट बॉलर हैं, दो स्पिन बॉलर हैं, और दो फास्ट बॉलर इसे लेना ही है, एच और एफ लेना है, ठीक है। तो सीधा हम लोग पहले एच ले लेंगे, एफ ले लेंगे, ये दोनों फास्ट बॉलर हो गए हमारे, ठीक है। उसके बाद अगर एच लेते हैं तो बी लेना पड़ेगा, बिल्कुल, अगर एच लेंगे तो बी हमारा लेना पड़ेगा, आप यहाँ भी देख लो, ठीक है, बी प्लस एच, ठीक। अगर एच लेते हैं तो बी हमने ले लिया, बी हमारा क्या है, बैट्समैन है, ठीक है। तो तीन प्लेयर हम लोग ले चुके हैं, अब दो प्लेयर लेना है, दो प्लेयर कौन कौन से बचे हैं, ठीक है, एच एफ बी ले लिया हमने, अब हमारा या तो ए बच रहा है, लेकिन देख लो ए लेंगे तो डी लेना पड़ेगा, ए प्लस डी ये बच रहा है, या फिर अगर सी लेते हैं, ए लेंगे तो सी नहीं लेंगे, सी लेंगे तो ए लेंगे, ठीक है, सी लेते हैं तो हमारा कौन कौन बच रहा है, जी या ई, सी जी लेंगे तो
जी या ई, इन दोनों में से कोई एक लेंगे, ठीक है? ठीक है, अगर सी लेते हैं तो जी या ई में से कोई लेंगे, अगर ए लेते हैं तो ए के साथ में ए प्लस डी है हमारा, ए प्लस डी लेंगे, तो कौन सा लेंगे? तीन ले चुके, कितने प्लेस चाहिए? दो प्लेस चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंफर्म नहीं है, अगर सी लेंगे तो हमें पता नहीं है कि हमें जी लेना चाहिए या ई लेना चाहिए, कंफर्म नहीं कह सकते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हम लोग कंफर्म कह सकते हैं कि दो ही प्लेयर चाहिए और ए के साथ डी ही आएगा, तो टीम फॉर्म हो जाएगा हमारा कंफर्म, ठीक है? जो कि हम 100% श्योर कह सकते हैं कि ये पांच तो होंगे ही। लेकिन अगर सी लेकर चलेंगे तो जी या ई में से हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि किसे खिलाना चाहिए, ठीक है? तो उस हिसाब से हमें ए और डी ही लेना है। ए प्लस डी हमने ले लिया, ए क्या है? बैट्समैन है, डी क्या है? विकेट कीपर है। देख लो, दो बॉलर, दो बैट्समैन, एक विकेट कीपर, वो चीज़ यहाँ भी हो जाती, लेकिन यहाँ पे जी या ई में से कौन लेंगे हमें पता नहीं है, ठीक है? तो ये हमारा टीम हो गया। अब एक्सपेंस पूछ रहा है, वही चीज़ नोट कर लेंगे हम लोग, एच का कितना है? 15, एफ का कितना है? 2, बी का कितना है? 15, ए का कितना है? 1, डी का कितना है? 15, ठीक है? जोड़ लेंगे, 2-0 एक्स्ट्रा, 7500, 7500 हमारा एक्सपेंस हो गया, ठीक है? 7500 एक्सपेंस हो गया हमारा, ये आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? इस तरीके से आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि हम लोगों ने ये पांच की टीम कैसे फॉर्म की, पता चल गया होगा आपको। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। स्कूल एक्स डिसाइडेड टू कंपोज द टीम विद वन फास्ट बॉलर एंड वन स्पिनर, यानी कि वन फास्ट चाहिए प्लस वन स्पिनर चाहिए, ठीक है? ये चीज़ें चाहिए एंड वन स्पिन, ठीक है? इफ स्कूल एक्स इज हैविंग ए बजट ऑफ ओनली 6500, 6500 रुपये ही है उसके पास, बजट है हमारा 6500, ठीक है? इससे ऊपर क्रॉस नहीं करेंगे। टू फॉर्म ए टीम फॉर दैट मैच, देन हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ दैट टीम सेटिस्फाइंग ऑल द अबव कंडीशन, यानी कि कौन सा ऐसी टीम फॉर्म होने के बाद कौन सा उस टीम में नहीं आएगा वो चुनना है। तो सबसे पहले तो ये चुनने के लिए हमें टीम फॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है? बजट हमारा 6500 ही है, तो हमें जो भी सबसे कम प्राइस वाले प्लेयर हैं उन्हें लेना है, ठीक है? ये चीज़ समझ में आ गई, 6500 है, कम का बजट है। इससे पहले हम लोग दो टीम फॉर्म किए थे, ठीक है? एक दो टीम फॉर्म किए थे, एक 8500 का था, 8500 का, एक 7500 का था, 7500 का, ठीक है? लेकिन अभी हमारे पास बजट कितना का है? 6500 का, यानी कि हम लोग जिसकी प्राइस कम है वैसे प्लेयर्स को लेंगे, ठीक है? तो कम प्राइस वाले प्लेयर को देखते हैं एक बार, एक फास्ट बॉलर और एक स्पिन बॉलर चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो एक फास्ट बॉलर ले लेते हैं, कम प्राइस वाला, ठीक है? और एक स्पिन बॉलर लेंगे। तो फास्ट बॉलर हमारे पास एच और बी है, ठीक है? एच का 1500 है और एफ का 2000 है, ठीक है? एच लेंगे तो हमें बी भी लेना पड़ेगा, ठीक है? एच लेंगे तो बी भी लेना पड़ेगा। तो अगर बी और एच को हटा के चलते हैं, लेना ही नहीं है बी और एच को, अगर बी और एच को लेंगे नहीं तो हम ए के साथ सी को लेंगे नहीं, ए और सी हमारा साथ में होगा नहीं। अब देख लो, इतनी ये एक चीज़ मुझे समझाना है कि टीम हम लोग किसी भी तरीके से फॉर्म करेंगे उसमें हम लोगों को बी और एच तो लेना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी कर लो आप, ठीक है? बी और एच तो लेना ही पड़ेगा। वो कैसे लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि हमें एक टीम में दो बैट्समैन भी चाहिए। अगर हम लोग सी को लेकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो भी दूसरा बैट्समैन हम ए को ले नहीं सकते हैं, बी को लेना पड़ेगा, सी भी हमारा साथ में आएगा, बी को लेंगे तो एच को लेना पड़ेगा। चलो अब सी के हटाकर ए को देखते हैं, अगर हम लोगों ने ए को लिया, हमें दो बैट्समैन तो चाहिए, ठीक है? सी को ले नहीं सकते हैं, ए के साथ सी आएगा नहीं, तो बी को लेना पड़ेगा दूसरे बैट्समैन के तौर पे। अगर बी आता है तो एच भी आएगा, ठीक है? ये चीज़ें आप समझ गए? चलो ध्यान से समझना फिर से एक बार, सी लेंगे तो दूसरे बैट्समैन के तौर पे बी को लेना पड़ेगा, उसके साथ में एच आएगा। अगर ए लेंगे तो दूसरे बैट्समैन के रूप में बी को लेना पड़ेगा, उसके साथ एच आएगा।
ठीक है, यानी कि एच और बी तो हमारा आएगा ही आएगा, एच और बी तो किसी भी रूप से अगर हम लोग टीम फॉर्म करेंगे तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, ये चीज़ समझ गए आप लोग। अब चलिए, अब हम लोग टीम फॉर्म करते हैं। अब कम प्राइस वाले प्लेयर को लेना है, और ये चीज़ हमें पता है कि एच और बी तो आने ही हैं, चाहे किसी भी कीमत पे आए। एच आएगा, बी आएगा। एच क्या है? फास्ट है, ठीक है। बी क्या है? फास्ट, ये बैट्समैन है, ठीक है। एक फास्ट ले चुके, एक स्पिनर चाहिए, ठीक है। एक फास्ट एक स्पिनर होना है, एक फास्ट ले चुके एक स्पिनर चाहिए। स्पिनर ई और जी है हमारा, दोनों में से कम प्राइस किसकी है? ई की है, तो हम लोग यहाँ पर ई को लेंगे क्योंकि बजट हमारा कम है, ठीक है। ई हमारा आ गया स्पिन, ई आ गया तो जी आएगा नहीं, ठीक है। जी को क्रॉस कर दिया साइड में, जी हमारा आएगा नहीं, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा बच रहा है हमारे पास? ए या डी बच रहा है, चलिए नोट कर लिया, ए या डी बच रहा है, और सी या एफ बच रहा है। ए या डी या फिर सी या एफ, दो तीन ले चुके हैं और दो लेना है हमें, तो ए या डी बच रहा है या फिर सी या एफ बच रहा है, ठीक है। अब दोनों की प्राइस नोट करते हैं। ए लेंगे तो डी भी साथ में लेंगे ही लेंगे, और सी लेंगे तो ए नहीं ले सकते, एफ लेंगे, ठीक है। क्यों, डी क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सी हमारा विकेट कीपर भी है और डी हमारा भी विकेट कीपर ही है, ठीक है, इसीलिए। अब चलिए नोट कर लेते हैं दोनों की प्राइस। अगर सी एफ लेंगे, सी का क्या है? 2000, एफ का क्या है? 2000, ठीक है। टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 4000, ठीक है। ए का कितना है? 1000। डी का कितना है? 1500। टोटल हमारा कितना आ गया? 2500, ठीक है। अब मान लो डी को ही लेते, यहाँ पे डी का कितना था? 1500। टोटल कितना हो जाता अगर एफ को नहीं लेते? 3500। तो या तो आप 4000 इन्वेस्ट करोगे, देखो 4000 इन्वेस्ट करोगे, या फिर 3500 करोगे, या फिर 2500 करोगे। आपके पास बजट कम है तो जाहिर सी बात है आप कम वाले को ही लोगे, 2500 को ही लोगे, ठीक है। तो हम लोग ए और डी के साथ ही जाएंगे, क्यों? क्योंकि सारे कंडीशंस में ये, अगर सी एफ लेंगे तो 4000 आएगा, सी डी लेंगे तो 3500 आएगा, अगर ए डी लेते हैं तो 2500 आएगा। तो सबसे कम कीमत में 2500 में हमारे ये दो प्लेयर आ रहे हैं, तो हम लोग इन्हीं दो प्लेयर को लेंगे। ए हमारा बैट्समैन हो गया, ठीक है, डी हमारा विकेट कीपर हो गया। तो दो बॉलर है क्या? एच है, एक बॉलर, दो बॉलर, दो बॉलर हमारा आ गया, दो बैट्समैन हमारा आ गया, एक विकेट कीपर आ गया, यानी कि सारे कंडीशन फॉलो हो चुके हैं, ठीक है। अब बजट हमारा 6500 है, तो क्या ये सारे 6500 के अंदर आ रहे हैं? जोड़ कर देख लेते हैं, एच का कितना है? 15, बी का कितना है? 15, ई का कितना है? एक, ए का कितना है? 1000, डी का कितना है? 15, ठीक है। अब जोड़ते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 6500, 6500 हमारा आ गया। बजट हमारा 6500 का था, एक फास्ट बॉलर एक स्पिन बॉलर, एक फास्ट बॉलर एक स्पिन बॉलर, टोटल बजट 6500। तो देख लिया आप लोगों ने, इस तरीके से हम लोगों ने फॉर्म कर लिया टीम। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था वो आप लोग इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि निम्न में से कौन, इनमें से कौन हमारे टीम में नहीं है, ठीक है। ए बी सी, देखो ए बी सी डी ई, इनमें से कौन सा नहीं है? सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई, सी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी हमारे टीम में नहीं है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। देखिए मैं काफ़ी समझाते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग जल्दी बनाओगे तो इस क्वेश्चन को जल्दी भी कर सकते हो, ठीक है। मैं समझाते हुए धीरे धीरे चल रहा हूँ, क्योंकि देखो पहली बार है, पहली बार में थोड़ा टाइम लग जाता है और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार आप लोग इस चीज़ को समझ जाओगे ना तो एग्जाम में मिलेगा भी, तो ऐसा मत समझना कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ है, नहीं है टाइम टेकिंग चीज़। आप लोग ये सारी चीज़ें फटाफट फटाफट कर लोगे, एक बार कंडीशन समझ जाओ उसके बाद ये सारी चीज़ें फटाफट हो जाती हैं, हो जाएंगी, ठीक है। पहली बार में टाइम लगता है, लेकिन प्रैक्टिस कर लेने के बाद वो चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आप प्रैक्टिस के साथ अगर जाओगे तो टाइम नहीं लगेगा। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने में है। स्कूल एक्स डिसाइडेड टू कंपोज द टीम विद वन फास्ट, ठीक है, एंड वन स्पिन स्पिनर टू प्ले इन स्टेडियम 1। चलो वन फास्ट और वन स्पिनर, ये हमारा पहले से ये टीम तो फॉर्म कर रखी है,
ठीक है। उसके बाद देन हु एमंग द फॉलोइंग विल बी डेफिनेटली मेंबर ऑफ द दैट टीम सेटिस्फाइंग ऑल द अबव कंडीशंस, यानी कि एक फास्ट बॉलर चाहिए, एक स्पिन बॉलर चाहिए, ठीक है। पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे कितने हो सकते हैं, यहाँ पे पैसों की कमी थी, हम लोगों ने काफ़ी कम प्राइस वाले प्लेयर्स लिए हैं, अभी पैसे की कमी नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से प्लेयर हैं जो कि कंडीशंस को फॉलो करते हुए डेफिनेटली टीम में आएंगे ही, अभी अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि कैसे भी कंडीशन में आप चलो, एच और बी तो हमारे टीम में आएंगे ही, ठीक है। ई या जी में से कोई एक आ सकता है, यहाँ पे आप लोग टीम में ही देख लो, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने ये टीम फॉर्म की थी, ठीक है, याद है आप लोगों को अच्छे से, उसमें हम मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था कि इस टीम को हम लोगों ने कैसे और क्यों फॉर्म किया। पैसे की कमी नहीं है, इसलिए ई या जी में से कोई एक ले सकते हैं, ठीक है। पैसे की कमी नहीं है, इसलिए ए डी लिया था तो सी एफ भी ले सकते हैं या सी डी भी ले सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है ए और डी ही लेना, ए डी के जगह पे हम लोग सी एफ भी ले सकते हैं, सी डी भी ले सकते हैं, ई के जगह जी भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ भी कर लें, कैसे भी चेंजेस कर लें, एच और बी तो हमारा हमेशा रहेगा ही, ये चीज़ मैं पहले ही समझा चुका हूँ, एच और बी हमारा डेफिनेटली किसी भी कंडीशन में कैसे भी तरह से आप चेंजेस करके टीम फॉर्म करो, एच और बी हमारे साथ में रहेगा ही। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन में देखते हैं, एच और बी क्या ऑप्शन में है, ए बी सी एच और बोथ बी एंड एच। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर ई जो है हमारा बोथ बी एंड एच वही होगा। इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, क्वेश्चन नंबर थ्री पे जो हम लोगों ने किया था वही चीज़ से हमारा आंसर निकल गया। चलो क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव आपके सामने में है। इफ द स्कूल एक्स डिसाइड्स टू इंक्लूड बी कंपल्सरी इन द टीम फॉर द मैच टू बी प्लेड इन स्टेडियम टू, देन हु एमंग द फॉलोइंग विल बी डेफिनेटली ए मेंबर ऑफ दैट फॉर्म टीम सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशन। चलो वही चीज जो चीज हम लोगों ने यहाँ की थी वही है, कहा यह जा रहा है कि स्कूल एक्स जो है वो डिसाइड करता है कि बी को वो लेगा ही टीम में। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे थे कि बी को तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, और बी लेते हैं तो एच को लेंगे ही। तो ये बोल रहे हैं कि अगर बी कंपल्सरी टीम में रहता ही है तो देन हु एमंग द फॉलोइंग विल बी डेफिनेटली ए मेंबर ऑफ दैट फॉर्म टीम सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका सेम ही है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि बी को उन्होंने फिक्स कर दिया कि वो कंपलसरी टीम में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बी अगर टीम में कंपलसरी रहता ही है तो आप जानते हो कि बी के साथ एच आएगा, ठीक है। बाकी चीज़ों के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ए आ सकता है, ए डी आ सकता है, सी डी आ सकता है, सी एफ आ सकता है, जी आ सकता है, ई आ सकता है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन कोई भी कंडीशन ले लो, कोई भी चेंजेस दे लो, कोई भी आप टीम फॉर्म कर लो, लेकिन अगर आप बी को कंपलसरी रखते हो तो एच तो आपका डेफिनेटली आएगा ही, ठीक है। तो यहाँ भी आपका आंसर हो जाता है कि एच आपका टीम में किसी भी फॉर्म में रहेगा ही, डेफिनेटली एक मेंबर एच होगा ही। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी एच, ठीक है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ये पांचों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है, एक टीम फॉर्म कर ली, हर क्वेश्चन में एक नए तरीके से नई टीम फॉर्म करनी थी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हमारे लिए इन छः कंडीशंस को समझना, ठीक है, इन छः कंडीशन को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था सबसे ज़्यादा। उसके बाद एक रफली हम लोगों ने एक कंडीशन से मैच करते हुए मेंबर बना, एक दो टीम फॉर्म करी, वो रफ किया, ठीक है, ये भी हमारा कंफर्म नहीं था, ये हैं चीज़ें हम लोगों ने समझने के लिए फॉर्म की, काफ़ी जल्दी फॉर्म हो गया था, उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, और इसका एक रीज़न ये भी था कि सारी चीज़ें हमारे आंखों के सामने होनी चाहिए, कौन बैट्समैन है, कौन बॉलर है, किसका क्या प्राइस है, ताकि हम बार बार स्क्रीन को नहीं देखें, एक एक्स्ट्रा पेज ले लेंगे और इसको फॉलो करते हुए उस पर टीम फॉर्म करते जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस कीजिए, नए चीज़ें हैं तो नई चीज़ों को पहली बार करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, अगर आप सीधे एग्जाम में देखो तो ये चीज़ें हो सकता है आप देख कर छोड़ भी दो, स्किप कर दो,
अगर अटेम्प्ट भी लोगे तो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, लेकिन अगर पहले से सब कुछ समझ के जाओगे, प्रैक्टिस करके जाओगे, तो फिर टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, सब कुछ समझ में आ गया होगा। ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए और भी लेकर आऊँगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।